वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वी आर हेयर एट द लामीर। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं और मैं इन दो बंदों के साथ हूँ, वर्चुअल गाइड और मोहसिन के साथ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आज के इसके कुछ मामलात। लेट्स वॉच आउट। गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। आज हम लोग कोलैबोरेट करने वाले हैं। ऑब्वियसली मोहसिन तो है ही, लेकिन मेरे साथ हैं वर्चुअल गाइड। ये दुबई में होते हैं, वर्चुअल गाइड के तौर पे इनका एक चैनल है। और मोहसिन का तो आपको पता ही है यार, ये बहुत ही मरे लेने वाला बंदा है। ये तो बहुत ही मरे हुए, आज बहुत ही बुरे हालात में। क्या लामीर आने की वजह सिर्फ ये बनी है कि ये जो इंस्टाग्रामर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त जगह कहलाती है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देख सकते हैं कि ये इंस्टाग्रामर्स के लिए बेहतरीन जगह है। और अगर आप यहाँ पे आके कुछ भी शूट करते हैं, स्पेशली दोज इंस्टाग्रामर्स, वो बहुत ही अच्छा क्लिक होता है। मैं इसकी कुछ एम्बियंस दिखाता हूँ मैं आपको, और स्लोमोज भी ऑब्वियसली दिखाऊंगा कुछ। Check out the ambience here. तो गाइस कुछ मामला ऐसे हैं कि हम लोग आ तो गए लामीर। अब ये 2017 में बना था, और क्या कहते हैं ये ओपन जो जुमेरा ओपन बीच होता था उनमें उसी को वापस रेनोवेट करके इन्होंने ये रेनोवेट तो नहीं रीबिल्ड किया और उसको लामीर का टाइम दिया। इसके एम्बियंस बहुत अच्छे हैं, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंस्टाग्रामर के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ ये लोग आकर और ईजिली, ऑब्वियसली फ्री एंड ओपन बीच है, लेकिन इसकी टाइमिंग्स हैं। आप अगर स्विमिंग करना चाहते हैं तो सुबह आई गेस 9 या 10 बजे से लेके शाम 6:30-7 बजे तक ही है। इसलिए कि अमूमन दूसरे बीचेज़ यहाँ पर ओपन होते हैं फॉर स्विमिंग, बट ये नहीं है। ये वाहिद बीच है जो इसकी टाइमिंग्स हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ ही लगूनास वगैरह ईजिली मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक लगूना वाटर पार्क भी है, और यहाँ पे जो कैफ़ेज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और काफ़ी टाइम यहाँ पे हम लोग रहे हैं। मेरे दूसरे वीडियोस में दूसरा मैंने एक जगह क्या कहते हैं रेस्टोरेंट भी कोई कवर किया था, और कोई कैफ़ेज़ भी कवर कर चुका हूँ यार। इसके दो तकरीबन सेक्शंस हैं यहाँ पर लामीर में, और मैं इस वक्त मिडिल में हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पर साउथ एंड नॉर्थ दोनों हैं, और जो दूसरी तरफ है नॉर्थ की तरफ वहाँ लगूना पार्क भी है, लगूना वाटर पार्क। जैसे यहाँ की खास बात कि ये टैक्सीज भी अवेलेबल होती हैं इजीली। ये पर राइड हाउ मच डू यू चार्ज पर राइड? 30 पर पर्सन, 30 धर्म दे चार्ज यूजली ये पूरे आपको। तो भैया मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे कैफेज और दूसरी चीज़ें बहुत सारी हैं, आप रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, कैफेटेरियाज बहुत हैं, और आप ईजीली इन्जॉय कर सकते हैं। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो आप ऑब्वियसली बाहर भी आ सकते हैं और बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। ड्रिंक्स में आपको सब कुछ यहाँ का दिखा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉशरूम भी दिखाऊँ। वॉशरूम की एंट्रेंस कैसी है, वॉशरूम का एम्बियंस कैसा है, वॉशरूम का भी एम्बियंस कैसा है। और ये यहाँ के वॉशरूम्स के मज़े ऐसे हैं, देख लें आप। ये वॉशरूम है हमारा। हाँ तो भैया आप ठीक लग रहे हैं, चलो भाई। यार मेरा तो दिल जा रहा है कि ईच एंड एवरी कॉर्नर की पिक्चर लूँ और इसका वीडियो बनाऊँ, कि हर वीडियो या हर पिक्चर में कुछ ना कुछ अलग है।
नाइट शॉट इसके ऐसे हैं भाई। मैंने कहा दिन में आपको लामीर चेक करवाया है तो अब मैं आपको नाइट में भी दिखा दूँ नाइट कैसा लगता है। गाइस ये देख लें आप, चेकआउट कर लें, ये भी वैसी जगह है कि जो आप दिल करेगा आपका कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर हो। ये है वास लगुना की तरफ जाने वाला एरिया, यहाँ से आप लगुना वाटर पार्क एंटर होते हैं और उसका एम्बियंस देखते जाएं। एम्बियंस देख के मोहसिन अगर याद आए तो भूल जाएं उसको। ट्रक को कवर कर लें, हमने सोचा इसी बहाने। जब मैं पहले आया था तो हम लोग यहाँ पे प्ले भी कर रहे थे लेकिन आज इसमें कुछ भी नहीं है तो हम कैसे खेलें। नॉट इवन हियर, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे भी खेल नहीं सकते। इसका मतलब है यहाँ से चीज़ें हटा ली गई हैं, लोगों ने बहुत यूज़ करना शुरू कर दिया होगा इसका मतलब। मैं जो आपको बता रहा था कि ये थीम के लिहाज से यहाँ पर हुआ हुआ है, ये देखिए व्हाट यू कॉल टू दिस आई डोंट नो बट लेकिन ये इन्होंने बनाया हुआ है। राउंड अबाउट क्लॉक राउंड अबाउट हेलो केफलाल केफलाक इन किफलक समथिंग और क्या है और क्या लिखा हुआ है। गाइस ये देख लें आप, चेकआउट कर लें, मैं जो ये बता रहा था ना कि इसकी थीम किस तरह की है, इस तरह की इसकी थीम ये है कि ट्रैक्स बने हैं कि यहाँ पे ट्रेन ट्रैक्स वगैरह जो होते हैं ये वो है और जो ट्रेन उससे जा रही है। अच्छा वो मैं आपको बता रहा था कि वो वाटर पार्क है जिसको लगुना वाटर पार्क बोलते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ करीब से। ट्रैक्स चल रहे हैं, बस फाइंड आउट हियर यू गो। ये भाई ये लगुना वाटर पार्क है तो आप लोग उनको हम मान तो नहीं जा रहे ऑब्वियसली। इसका भी एम्बियंस जबरदस्त है और इसकी ये खास बात, ये बकेट जब गिरेगी, ये जो बकेट गिरती है ये वो कमाल है, ये वाली लुक एट दिस खड़क 13, इस पर खड़क भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है लुक एट दिस। लोगों को लग रही होगी गाड़ी बट ये गाड़ी नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट है। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और काइंडली कीप शेयरिंग इट। हाँ और हमारी फैमिली 5000 सब्सक्राइबर की होने जा रही है अब, तो काइंडली कीप सब्सक्राइबिंग।